प्रदेश के महाराजगंज से आपको बताते हैं, जहां विधायक जी जब सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां का हाल देख करके आग बबूला होते। आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पर अस्पताल में कि विधायक जी अपना आपा खो बैठे, जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज में विधायक प्रेम सागर पटेल ने मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विधायक ने पर्ची काउंटर पर अनियमितता और मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलते एक स्वास्थ्य कर्मी को रंगे हाथों पकड़ा। इस पर विधायक ने कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। एक रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। इन्हीं यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5,000 गौ सदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, विधायक जी ने मरीजों का रिकॉर्ड निकलवाया और उनके नंबर पर फोन घुमा डाला ताकि ये पता लग सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। पर हीरामन नाम है अतोरे मरारू का नाम कविता है। अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। विधायक जी यहीं नहीं रुके बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों कर्मचारियों की क्लास लगा दी। कोई रेफर नर्सिंग होम में नहीं जाएगा। नहीं, आज देखो यहाँ सारे तुम कुर्मत्ते की तरह जन्म लिए हैं सारे अस्पताल, तुम्ही लोगों का श्रेय है वो चल रहा है। जनता हमारी यहाँ आती है, आज तुम्हारे दलाल घूमते करते हैं यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गाँव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है, हमको मत चराओ न पढ़ाओ। ये आज इतने बड़े पैमाने पर नर्सिंग होम डेवलप कर रहा है सिर्फ तुम लोगों, जो हमारे गरीब किसानों को भेज रहे हो, लाचारों को भेज रहे हो अस्पताल में, अब लूटे जा रहे हैं वो लोग। आपको बता दें, अस्पताल में मरीजों से 1 रुपए की जगह 2 रुपए लेकर पर्ची काटी जा रही थी और कमीशन के लिए मरीजों को डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम भेज रहे थे। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं,